हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आप लोगों का बहुत सारा डिमांड था कि भैया क्लासिक 350 चाहिए, MT 15 चाहिए, बट MT 15 तो आने वाला है गाइस, अभी तक MT 15 आया नहीं है, बट क्लासिक 350 है, क्लासिक 500 है गाइस, और भी रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी गाड़ियाँ है गाइस। सो आज की आपकी डिमांड के हिसाब से हम लोग आज स्टार्ट करने वाली हमारी वीडियो फ्रॉम क्लासिक 500 गाइस, बुलेट 500। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रॉयल एनफील्ड बुलेट 500 गाइस, क्लासिक 500। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैजिंग दिया हुआ है गाइस, काफ़ी सही, काफ़ी तगड़ी गाड़ी है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? ये जो बाइक है इसकी प्राइस रहने वाली है 78,000 गाइस। और उसके बाद यहाँ पे FZ है, और इसका प्राइस क्या रहने वाली है? 78। इसका प्राइस भी 78,000 रहने वाली है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे हमारी रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? सो गाइस, इसका प्राइस रहने वाली है 1,50,000। और ये गाड़ी का प्राइस आप जस्टिफाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये गाड़ी फुल्ली लोडेड है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे बजाज की तरफ से आने वाली एवेंजर 220 क्रूज है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 43,000 गाइस, 43,000 में ये एवेंजर 220 आप घर लेकर जा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे पल्सर की तरफ से आने वाली पल्सर 150 है गाइस, सो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 73,000 गाइस। मतलब ये कौन से साल की मॉडल है? 2019 की मॉडल है गाइस, काफ़ी सही कंडीशन के साथ ये गाड़ी खड़ी हुई है। और ये वाली कौन सी है? 160 है ना पल्सर NS का। बहुत सारा क्वेरीज था कि भैया 160 चाहिए, 200 चाहिए, तो गाइस ये थोड़ी पुरानी है, बट फिर भी हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए। बट हालांकि अंदर और एक है, नया है, फ्रेश माल है, तो इसका प्राइस क्या है? 68,000 गाइस। और ये कौन से साल की मॉडल है? 2018 की मॉडल है गाइस। फिर गाइस यहाँ से अगर हम लोग चेक करते हैं, ये पल्सर की तरफ से आने वाली 220F है गाइस। गाइस ये एक लीजेंडरी बाइक है, और गाड़ी का कंडीशन भी काफ़ी सही लग रहा है, तो इसका प्राइस क्या रहने वाली है? 68 गाइस, इसका प्राइस ओनली 68,000 रहने वाली है। और ये कौन से साल की मॉडल है? ये गाइस 2016 की मॉडल है। चेक दिस आउट यार, क्या सही कंडीशन में ये गाड़ी खड़ी हुई है। और गाइस इसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हो, एक्सपल्स है, तो ये 200 है ना, ये 200 एक्सपल्स 200 है। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 58,000 गाइस। और यहाँ से चमचमाती हुई रेड कलर की पल्सर 150 है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 73,000 ओनली गाइस। गाड़ी का कंडीशन चेक करो, कहीं से भी एक स्क्रैचेस भी नहीं है गाड़ी में, बहुत ही सही कंडीशन में है। फिर से बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 125 है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 73,000 गाइस। मतलब ये देखने में काफ़ी सही लग रही है, और देखने में भी ऐसे लग रही है कि नया ही है। कितना साल की मॉडल है 21 का? ये गाइस 2021 की मॉडल है, वाह। और गाइस यहाँ से चेक कर सकते हो, रेड कलर की FZS यहाँ की तरफ से आने वाली, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 83,000 ओनली गाइस। गाड़ी का कंडीशन चेक करो, काफ़ी सही है। और गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, Apache की तरफ से आने वाली 164 भी है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? सो गाइस ये 85,000 देकर ये आप घर लेकर जा सकते हो, काफ़ी सही कंडीशन में है गाइस। सो गाइस अभी हम लोग बजट सेगमेंट की बाइक की तरफ से आ गए, और ये जो बजट सेगमेंट होने के साथ साथ ये गाड़ी का माइलेज भी बहुत ज़्यादा है गाइस। तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हीरो की स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 से, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 38,000 ओनली गाइस। उसके बाद हमारी हीरो की तरफ से आने वाली ग्लैमर है, तो ग्लैमर की प्राइस क्या रहने वाली है? 65,000 ओनली। और ये ग्लैमर कौन से साल की मॉडल है? 2021 की मॉडल है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे हमारी होंडा की तरफ से आने वाली CV125 कितने की रहने वाली है? 58,000 ओनली गाइस। तो हमारे कस्टमर के लिए ये ओनली 58,000 रहने वाली है गाइस। और गाइस यहाँ से चेक कर सकते हो, बजाज की तरफ से आने वाली डिस्कवर खड़ी हुई है, काफ़ी सही कंडीशन में देखने में लग रही है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 42,000 गाइस, ये ओनली 42,000 में आपको देखने को मिल जाएगी। और गाइस अगर यहाँ से चेक कर सकते हो, यामाहा की तरफ से आने वाली SZ खड़ी हुई है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 32,000 ओनली गाइस। और यहाँ पे हमारी होंडा CV125 अगेन, तो इसका कंडीशन भी काफ़ी सही लग रही है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये कौन से साल की मॉडल है? ये 2019 का मॉडल है गाइस। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 45,000 ओनली फॉर आवर व्यूअर्स। सो गाइस यहाँ से चेक कर सकते हो, अगेन अ हीरो ग्लैमर, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? सेम गाइस, ये 65,000 रहने वाली है, और काफ़ी सही कंडीशन में मेरे को देखने को मिल रही है।
और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हीरो की तरफ से आने वाली सुपर स्प्लेंडर खड़ी हुई है। ये कौन से साल की मॉडल है? 21 ये गाइस 2021 की मॉडल है और गाड़ी का कंडीशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और इसका प्राइस क्या रहने वाली है? 68,000 ओनली गाइस। और गाइस इसके बाद यहाँ से चेक कर सकते हो होंडा की तरफ से आने वाली ड्रीम नियो है और हमारी ड्रीम नियो की ड्रीम प्राइस क्या रहने वाली है? ओनली 49,000 गाइस। सो गाइस फ्रॉम हियर यू कैन चेक दिस आउट। ये बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 150 है गाइस। ये डुअल डिस्क के साथ आती है ना, तो ये 2019 वाली मॉडल है और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 75,000 ओनली गाइस। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे विक्रांता खड़ी हुई है बजाज की तरफ से आने वाली। ये कौन से साल की मॉडल है और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 2016 की मॉडल और प्राइस 43,000 ओनली गाइस। सो गाइस आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि भैया NS RS लाइए, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं NS 160। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 70,000 ओनली गाइस। और ये कौन से साल की मॉडल है? 19. ये 2019 वाली मॉडल है गाइस। अभी हम लोग स्कूटी की तरफ आ जाते हैं और स्कूटी में यहाँ पे हमारे कलेक्शन में एक नया कलेक्शन आ चुकी है होंडा की तरफ से आने वाली 125 ग्राजिया। और ये गाड़ी देखने में काफ़ी सही लग रही है और एकदम चमचमाती हुई ब्लैक एंड रेड कलर वेरिएंट में है। और ये कौन से साल की मॉडल है? देखने में काफ़ी नहीं लग रही है। 2021 की लास्ट की मॉडल है। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 59,000। और गाइस यहाँ पे अप्रैला की तरफ से आने वाली 150 सीसी वाली गाड़ी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाली इंजन के साथ आ रही है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 58। सो गाइस इसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 58,000 फॉर आवर व्यूअर्स। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हैं होंडा की तरफ से आने वाली डियो है, तो डियो की प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? डियो की प्राइस ओनली 49,000 रहने वाली है। और ये कौन से साल की मॉडल है गाइस? ये 2018 की मॉडल है, लास्ट की मॉडल। ओ माय गॉड गाइस कैन यू चेक दिस आउट। यहाँ पे टीवीएस की तरफ से आने वाली एंटॉक है, ये थर्ड एडिशन है और वैसे इसको सुपर स्क्वाड एडिशन भी बोला जाता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो नंबर 62 लिखा हुआ है। तो ये देखने में काफ़ी नई लग रही है। तो ये कौन सी साल की मॉडल है पहले ये जानना चाहेंगे आप गाइस? ये 2022 की मॉडल है। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है फॉर आवर व्यूअर्स? सो गाइज हमारे व्यूअर्स के लिए ये ओनली 80,000 में आप लेकर जा सकते हो। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी ऑफर्स भी अवेलेबल है और उसके साथ भाई आप अगर निगोशिएट कर सकते हो तो फिर आपके लिए ये और भी कम दाम में मिल जाएगी गाइस। उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हो यामाहा की तरफ से आने वाली यहाँ पे फेसिनो है गाइस। और फेसिनो वही नया कलर वेरियंट में ये नया वाली मॉडल है। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? ये ओनली 50,000 देकर आप इसको घर लेकर जा सकते हो काफ़ी सही कंडीशन में। और गाइस अगर यहाँ से आप चेक करोगे तो वही टीवीएस की तरफ से आने वाली एंटॉक है 125। ये हालांकि ये जो थोर है इससे पुरानी वाली मॉडल है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस ओनली 60,000 रहने वाली है। और यहाँ से चेक कर सकते हो ये एक वेस्पा है और काफ़ी सुंदर कलर वेरिएंट में है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? ये ओनली आप 55,000 देकर घर लेकर जा सकते हो। यार यू कैन चेक दिस आउट अगेन, यामाहा की तरफ से आने वाली फेसिनो है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? ये 49,000 में आप घर लेकर जा सकते हो। और उसके बाद फिर से यामाहा की तरफ से आने वाली ZR है शायद, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है ब्लू कलर वेरियंट में, काफ़ी चमचमाती हुई कलर वेरियंट में गाइस? ये ओनली 49,000 देकर आप घर लेकर जा सकते हो, काफ़ी अच्छी डील है गाइस। ओ माय गॉड अगेन गाइस एप्रिला 150 है। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? ये ओनली आप 53,000 देकर घर लेकर जा सकते हो। और ये कौन से साल की मॉडल है भाई दो गाइस? ये 2019 की मॉडल है। सो गाइस अगर आप यहाँ से चेक कर सकते हो यहाँ पे नई चमचमाती हुई यामाहा की तरफ से आने वाली ZR है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? सो गाइस ये जो ZR है इसकी प्राइस रहने वाली है 59,000 ओनली गाइस। गाइस ये 2021 की मॉडल है गाइस। सो गाइस अभी हम लोग बढ़ चुके हैं डियो की ओल्ड मॉडल की तरफ। तो डियो की ओल्ड मॉडल का प्राइस क्या रहने वाली है? 18,000 ओनली गाइस। अगर आप लो बजट सेगमेंट में स्कूटी देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दो तीन मॉडल्स देखने को मिल सकती है, दिस इज़ वन ऑफ दैम। और यहाँ पे फिर से यामाहा की तरफ से आने वाली ZR है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 43,000 ओनली गाइस। ये और कौन से साल की मॉडल है गाइस? ये 2019 की मॉडल है। लास्टली यहाँ पे एक पेप्लस और यहाँ पे मोफेट देखने को मिल जा रही है। तो सबसे पहले आप पेप्लस की प्राइस पूछेंगे 25,000 ओनली और मोफेट
अच्छा मोटा मोटी 20 से 25 के आसपास ही है, तो फिर आप आके बर्गिंग करके लेके जाओ, क्या बताओ आपको 20 में भी मिल जाए। ये बाइक से हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे और लास्ट में आज का थोड़ा सा बम्पर ऑफर आपसे रूबरू करवा दिया जाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सुपर स्प्लेंडर खड़ी हुई है जो कि आप 50,000 देकर घर लेकर जा सकते हो, बम्पर ऑफर गाइस। तो ये डील आई होप कि आप मिस नहीं करोगे और नेक्स्ट जिस दिन भी मैं आऊंगा ये गाड़ी मेरे को शोरूम पे नहीं दिखना चाहिए। तो गाइस जैसे कि वीडियो में बहुत सारा क्वेरीज रहता है कि MT15 कब आने वाली है और भी बहुत सारी वेरिएंट के बारे में आप लोग पूछते रहते हो, सो गाइस डेफिनेटली आप टेंशन मत कीजिएगा, MT15 आने वाली है विद इन अ फ्यू डेज, और जब भी आएगा हम लोग आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आप लोगों का क्वेरीज था कि रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 कब आएगा या फिर और भी बाइक्स का क्वेरी रहता है जैसे कि हीरो होंडा, हीरो ग्लैमर, स्प्लेंडर प्लस, तो उसका वीडियो तो हम लोग लाते रहते हैं। और MT15 के लिए भी आप टेंशन मत लीजिएगा, और भी बहुत सारी बाइक्स आने वाली है विद इन अ फ्यू डेज, सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सो गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दियो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे इसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।